राजनाथ सिंह की पाकिस्तान आमद के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। शहरियों का कहना था कि भारतीय हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों के कातिल है, राजनाथ सिंह की पाकिस्तान आमद कबूल नहीं। मजीद तफसीलात एजाज तरीन की रिपोर्ट में। 8 लाख से ज्यादा भारतीय फौज कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रही है, लेकिन बैन अल-अक़वामी बिरादरी की खामोशी एक सवालिया निशान है। इंसानी हकूक के नामनियाद दावेदार कश्मीर में होने वाले कत्लेआम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की पाकिस्तान आमद के मौके पर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी तहरीके आजादी और जम्मू और कश्मीर ने 7 नंबर चुंगी से चौक कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका का कहना था कि भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को फौरी तौर पर पाकिस्तान बदर किया जाए, क्योंकि वो कश्मीरियों का कातिल है। हम सब लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा जवान और हर नौजवान इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ है। इंडिया के वजीर दाखिला की पाकिस्तान आमद पर भरपूर एहतजाज करते हैं, क्योंकि वो हमारे लाखों मुसलमान बहनों भाइयों और बच्चों का कातिल है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करते हैं कि इस तरीके से इस्तकबाल ना किया जाए, बल्कि उसे मुल्क बदर किया जाए, मुल्क से निकाल दिया जाए। पाकिस्तानी आवाम के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैमरामैन प्याज वागा के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान।